हेलो गाइस, आपका आज एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल निकितास क्रिएटिविटी अड्डा में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपने पुरानी प्लास्टिक बॉटल जो अपने घर में पड़ी रहती है उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनसे कैसे बहुत ही प्यारे प्यारे डेकोर आइटम्स बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो बिना किसी देरी के आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वाला जो मैं लैंप बनाने वाली हूँ उसके लिए मैं इस तरह की प्लास्टिक बॉटल का यूज़ करूँगी। जो पानी की बॉटल्स होती हैं उसको मैं ऐसे हाफ में कट कर लूँगी। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। मैंने नीचे का पार्ट थोड़ा बड़ा लिया है, ऊपर का थोड़ा छोटा लिया है। अब मैं इस तरह का कलरफुल पेपर लेके उसके बॉटल के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं इस पर बटरफ्लाई ड्रॉ कर लूँगी, छोटी बड़ी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। जितनी आपको चाहिए आप उतनी भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने थोड़ी छोटी रखी है क्योंकि मुझे इस पर कुछ ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा बटरफ्लाई चाहिए थी। बड़ी बनाती तो बड़ी ज़्यादा इस पर आने सकती थी। इस तरह से मैं सारी बटरफ्लाईज ड्रॉ कर लूँगी और फिर एक लाइट कलर का पेपर लेकर जो भी आपको उसके साथ लगाना हो उस पर छोटी छोटी बटरफ्लाईज ड्रॉ करके उनको मैं कटर की हेल्प से या सीजर की हेल्प से कट कर लूँगी। ये दोनों ही DIY बहुत ही सिंपल हैं। ये लगने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं। इससे आप अपने किड्स के रूम को भी डेकोरेट कर सकते हैं या ऐसे भी कहीं पे भी लगा सकते हैं। इनमें फेरी लाइट्स डालकर अगर रात को जलाएंगे तो ये नाइट लैंप का काम भी करेंगे। देखने में बहुत ही क्यूट लगते हैं और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं। बच्चों के स्कूल में अगर कोई क्राफ्ट का प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, उसमें भी आप इसको बच्चों को बना के दे सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। इस तरह से मैं इस बॉटल के चारों तरफ जो मैंने कट करी थी उसके चारों तरफ ये ऐसे पेपर को पेस्ट कर दूंगी। फिर मैं इधर बटरफ्लाई के ऊपर का ऐसे पार्ट बना दूंगी। मैंने बाद में इस पर कुछ मिरर्स लगा दिए थे, आपको आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिरर लगाने से ये वैसे भी एक बहुत सुंदर डेकोरेटिव आइटम बन के हमारा रेडी हो गया है। ऊपर मैंने इसे थ्रेड लगा डाल दिया है, डोरी कोई भी, उसे हैंग करने के लिए ऐसे मैंने ऊपर डोरी लगा दिया दोनों तरफ साइड में होल करके। मेरा जो नेक्स्ट लैम्प मैं बनाने वाली हूँ वो है एक येलो कलर का स्टार शेप में स्माइली लैम्प। इसके लिए मैं बॉटल का ऊपर वाला पार्ट यूज करूँगी। सबसे पहले ऐसे वाइट पेपर पे मैंने स्टार शेप कट कर ली है। उसको येलो कलर का जो पेपर शीट थी वो थोड़ी थिन थी तो उसको थोड़ा स्ट्रेंथ देने के लिए मैंने वाइट पे उसको मैं पेस्ट कर दूंगी। दोनों पार्ट ऐसे पेस्ट करके मैं उसको बाद में कट कर लूंगी। इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने दोनों साइड बॉटल के जो ऊपर वाला पार्ट था उसके ऐसे पेस्ट कर दिया फेविकॉल की हेल्प से। अब मैं इस पर मैंने छोटी छोटी इसकी आईज बनाई है पेपर से ही, उसको मैं इस पर पेस्ट कर दूंगी और बाद में स्माइली वाला फेस भी बना दूंगी। देखिए हमारे दोनों ही लैम्प तैयार हैं। पर्पल वाला लैम्प कुछ लाइट में ऐसे लगाने के बाद इस तरह से लगेगा। ये रात के टाइम बहुत ही सुंदर लगेगा। इसमें आप कोई भी फेरी लाइट जो आपके पास रखी हो उसको लगा सकते हैं और अपने रूम को इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं।
सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनमें से कौन सा क्राफ्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे ये भी बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट DIY वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे मेरी और वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही अमेजिंग क्राफ्ट वीडियो और कुछ ज्वेलरी डिजाइनिंग की वीडियो भी अपलोड की हुई है, तो आप उन वीडियोस को एंजॉय कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।